लास्ट क्लास में जब हम इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज कर रहे थे तो मैंने बताया था, ये देखो ये समरी है उस क्वेश्चन की, कि 2000 वाले ये रिडीमेबल शेयर्स थे 2 लाख, जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना है 50, कैपिटल रिजर्व में 10,000, 5 रुपए के प्रीमियम से वो कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को कुछ फंड्स के नाम बोले थे कि वो वाले फंड्स हम यूज नहीं करते हैं, याद आया? तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो सबसे पहले आप लोग तो लिस्ट लिखो कि कौन से फंड में से कौन से पैसे यूज करने और कौन से नहीं। आ रहा है समझ में? हाँ इसमें तो ये वाले वो फंड के नाम से हैं जिसका अमाउंट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण, सेकंड सामान्य संचय जनरल रिजर्व, थर्ड हम इसमें यूज कर सकते हैं रिजर्व फंड, संचित कोष, फोर्थ है इसमें बीमा कोष, इंश्योरेंस फंड। आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं इसको? यस लिखो लाभांश सामान्यकरण कोष, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ में एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड। ये लिस्ट याद रखना है आप लोगों को एग्जाम में, नहीं तो हम गलत सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कर्मचारी दुर्घटना कोष, वर्कर्स एक्सीडेंट फंड। अब देखो यहाँ पे उनकी लिस्ट लिख रही हूँ जिनका हमको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये लाभ पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, ठीक है, कैपिटल नेचर के होते हैं। इसलिए इसमें पहला, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसका अमाउंट हम नहीं यूज करेंगे। अब बोलोगे मैडम लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन में तो कर रहे थे। नहीं बेटा, प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ प्रीमियम के लिए करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, सेकेंड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अंश हरण खाता, तो इसका भी अमाउंट हम नहीं यूज करेंगे। पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व, इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया है, हम उसका यूज नहीं करेंगे। विकास छूट संचिति, डेवलपमेंट रिपेट रिजर्व, डेवलपमेंट डिबेट रिजर्व, विकास छूट संचिति। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, निवेश भत्ता रिजर्व। तो ये पांच है जिनका हमको यूज नहीं करना है, और ये सात है जिनका हम यूज कर सकते हैं। हो गया, रफ करूं, जनरल एंट्रीज करें कल वाले क्वेश्चन की, यस मैम। ठीक है? अब देखो जनरल एंट्रीज में स्टार्ट करें और तुरंत तुरंत रिस्पॉन्ड किया करो। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी। चलो प्रोफॉर्मा बनाओ, जनरल एंट्री के लिए कैसे बनाते हैं प्रोफॉर्मा?
डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो बनाओ, डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट दे दो। अब देखो हमने कल क्या किया था, उस क्वेश्चन में जनरल एंट्री की थी, फर्स्ट जनरल एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे हो गया एंट्री? ये देखो, ये मैंने बताया था 1,78,000 उसको पे करना है, जनरल रिजर्व में था 50, कैपिटल में 10, ठीक है। तो हम कैपिटल का अमाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो 1,78,500 में से 50,000 अगर हम रिजर्व फंड में से लेंगे तो कितना बचेगा? 1,28,500। तो इतने का हमको इशू करना पड़ेगा शेयर्स का, फ्रेश इशू। एग्जाम्पल नंबर 11 है, क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल सेंड कर चुकी थी। जो लेट ज्वाइन किए हैं क्लास वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ओपन करके देखो, कल एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सेंड किया है, सुधीर लिमिटेड वाला क्वेश्चन। तो जो लेट ज्वाइन किए क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप से निकाल सकते हो, सुधीर लिमिटेड करके एक स्क्रीनशॉट है। देखो फर्स्ट एंट्री, तो देखो 1,28,500 यूज होगा, तो 2014 अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम पहले फ्रेश इशू करेंगे। तो 12850 × 10, क्योंकि 10 रुपए वाले शेयर करने बोला था, तो 12850। फर्स्ट एंट्री में डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अपन सेकेंड एंट्री स्टार्ट करेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. फिर देखो अब जनरल रिजर्व से लेंगे, बताओ इसमें कितना लेंगे जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में? बताओ $50,000 लेंगे। एक रीजन बता रही हूँ क्यों 10,000 कम लिए, बता रही हूँ। देखो एक एंट्री कर रही हूँ उसमें समझना आप लोग। प्रीमियम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, ma'am. तो प्रीमियम का पैसा भी कहां से लेंगे? तो हमने क्या किया, 10,000 प्रीमियम के लिए निकाल दिया जनरल रिजर्व में से और 40,000 उसमें दे दिया। इसलिए ये क्वेश्चन को ना मैं इतना स्ट्रेच कर रही हूँ कर से, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो जो कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट नहीं लिया हमने, फिर हमने क्या किया जनरल रिजर्व में से जो उस पे यूज हो रहा है प्रीमियम पे, तो उसको दे दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो फिर हम क्या करेंगे एंट्री, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये हम देखेंगे ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में ये पूरा जाएगा 1,78,500। इनकम कितना दे रहे हैं ये देखो, 1700 शेयर्स हैं, 100 रुपये वाले 1,70,000, और प्रीमियम का कितना अमाउंट आ रहा है 8,500। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री देखो, इसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,78,500, 1,78,500। फोर्थ वैरायटी, रिडम्पशन बाय कन्वर्शन, परिवर्तन द्वारा शोधन है। क्वेश्चन दिया है सबके में, रजिस्ट्रेशन 12। यस मैम, है ना। अब देखो ये लास्ट वैरायटी है, इसके बाद अपन एडवांस्ड सॉल्यूशंस में आएंगे जिसमें हम 3-4 चीजें एक साथ करेंगे। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा नहीं लास्ट क्वेश्चन में, 8,500 था प्रीमियम का, तो मैंने 10,000 क्यों लिया उसमें जनरल रिजर्व में से? बताओ, जो हमने अभी जनरल एंट्रीज की, किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मैडम प्रीमियम तो 8,500 का हम पे कर रहे हैं, तो हमने जनरल रिजर्व से 10,000 क्यों लिया, 85 क्यों नहीं लिया, बताओ? ये किसी के माइंड में आया नहीं क्वेश्चन? देखो, एक बार जनरल रिजर्व से 40,000 लिया था और एक बार जनरल रिजर्व से 10,000। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो किसी के माइंड में आया नहीं? क्यों क्यों कृष्णा, आदित्य, रिया, क्यों नहीं आया किसी के माइंड में? तो बताओ, वो सही है कि गलत है? ठीक है, नहीं है डाउट तो आप लोग बताना मुझे, अब नेक्स्ट क्लास में जब पूछूंगी तो। चलो देखो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 12। कंपनी द्वारा किए गए निम्नांकित शोधन के लिए क्या प्रविष्टियां की जा सकती हैं? कन्वर्शन मतलब परिवर्तन द्वारा शोधन। अब देखो फर्स्ट क्या दिया है, 2014 में एक्स लिमिटेड ने 1,00,000 पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन उनको समता अंशों में परिवर्तन द्वारा 25% प्रीमियम पर निर्गमित करके किया। मतलब 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स को वो क्या कर रही है, रिडीम कर रही है। कैसे कर रही है? उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, इक्विटी शेयर्स में, और वो भी कैसे, 25% प्रीमियम पे। ठीक, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, 2015 में एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये 1,00,000 रुपए के हैं, ये 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स को 10 रुपए वाले प्रीमियम पे 1.25 पर शेयर पे कर रही है, किसके, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके 10 रुपए वाले ईच, और इसको भी 25% प्रीमियम पे। यहाँ पे 1.25 प्रीमियम है, ठीक, और यहाँ पे सिर्फ 25% प्रीमियम दे रहा है, क्या होगा बताओ?
चलो जनरल एंट्रीज बनाओ, मैं बताती हूँ कि इसमें कैसे करेंगे अपन। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है वाला। डेट बनाऊं पर्टिकुलर, देखो फर्स्ट वाले सिचुएशन की, ये वाली, उसमें क्या बनेगी एंट्री देखो। हमको रिडीम करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कितने का है? 1 लाख का। ये देखो ये 1 लाख रुपए के हैं, हम उनको कैसे पे करेंगे? उनको प्रेफरेंस शेयर के बदले अब हम उनके शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब उनको नया बॉन्ड मिलेगा। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बस देखो हम क्या करेंगे, उनको नए शेयर इशू करेंगे। कितने? इक्विटी शेयर 25% प्रीमियम पे कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? 1 लाख रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर हमको दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन को क्लियर कर ध्यान देना, उनको समता अंशों में परिवर्तन के द्वारा 25% प्रीमियम पर निर्गमित करके किया गया। तो देखो 1 लाख का 25% कितना होगा बताओ? 25,000। कितना? 25,000। अच्छा तो चलो मेरे को बताओ तो इसमें कितना आएगा और इसमें कितना आएगा जल्दी से। नो मैम। ये समझ में आया? ये कैसे कैलकुलेशन हुआ, ये वाला और ये वाला? कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। समझ में आया? अच्छे से नोट करके रखना इसको। यस मैम। तीसरी एंट्री क्या करोगे? ठीक, अब लास्ट एक एंट्री करो। ये रफ कर रही हूं ना ऊपर से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो कंपनी को देखो सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना मिल रहे हैं? 2,200 है ना। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और कंपनी को देना कितना था प्रीमियम पे? 12,500। तो कितना यूज करेगी उसमें से? 12,500। बस खत्म ये क्वेश्चन। यहाँ लिखना जो प्रीमियम पेबल था, बिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हिंदी में लिख सकते हो प्रीमियम पर पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन करते समय
रिटर्न ऑफ को क्या बोलते हो आप लोग हिंदी में? थोड़ा सा करेक्शन करो फर्स्ट पार्ट वाले में, ये जो सेकंड वाले की एंट्री थी ये तो ठीक है, जो हमने फर्स्ट की एक एंट्री नहीं की थी, क्या की थी हमने? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर किया था हमने, यस मैम। 1 लाख से किया था, है ना? फिर नेक्स्ट क्या की थी हमने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो ये 25% प्रीमियम पे था ना, तो 1 लाख को डिवाइड करोगे 25% प्रीमियम पे, यानी 125 से, 125% करो तो 1 लाख को डिवाइड करो 125 से, 800। 200 करो ना बेटा, 80,000। ठीक है? तो ये 80,000 का रहेगा, ठीक है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये और जो बचा हुआ वो कितना आ जाएगा प्रीमियम पे? 20,000। ये लॉजिक याद रखना, लिख लो। जैसे इसमें किया था ना हमने, ये देखो जैसे इसमें उल्टा किया था ना हमने, ये यस मैम। सेम इसमें भी तो वही रहेगा। ये देखो इसको करेक्ट कर लो जल्दी से, और पता नहीं कोई क्लास से लेफ्ट हो गया, अब उसको कौन बताएगा? मेरे को नहीं पता, आप लोग बता देना। कोई लेफ्ट हो चुका है क्लास से तो शायद उसको आप लोग बता देना कौन लेफ्ट हुआ है। प्रिया, पता नहीं मैम। नहीं मैम, मैं हूँ क्लास में। तो कौन लेफ्ट हुआ है? रितु सिंह, रितु लेफ्ट हुई है, रितु सिंह, ठीक है? मेरे पास लिस्ट है जो जो क्लास अटेंड किया था, तो आप लोग उसको बता देना, रितु सिंह को। यस मैम।